देखिए, पुलवामा हमला जो हुआ था वो एक प्रकार का जो है कायराना हमला था, परंतु हमारी सरकार और एयरफोर्स ने जो स्ट्राइक की है, जिसमें मुजफ्फराबाद से लेकर के और उसके आसपास के जितने इनके ठिकाने थे जहां इन्होंने आतंकवादियों के लॉन्च पैड बनाए हुए थे, जिसमें बिम्बर गली से आगे का इलाका जितना है, जिसमें बालाकोट है, मांझाकोट है, ताता पानी है और रावलाकोट तक का जो इलाका है इसमें कवर किया गया है, कृष्णा घाटी तक का, तो इसमें इन्होंने जो अटैक किया है वो मिराज 2000 के द्वारा इकट्ठे जा कर के उनके ऊपर स्ट्राइक किया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान के लिए संकेत मात्र है कि अगर आपने इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो आगे आने वाले समय में भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। जो अभी भी CCS की बैठक चल रही है उसमें हो सकता है कि पाकिस्तान के रिटेलिएशन के बारे में इस पे सोच विचार किया जा रहा हो। यदि पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो ये जो छोटी घटना है ये बहुत बड़ी घटना में परिवर्तित हो जाएगी और एस्केलेट हो जाएगी, और इसके ऊपर LOC पे जितना भी हमारा डिफेंस लगा हुआ है वो एक्टिवेट हो चुका है और पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। परंतु इसका अर्थ केवल इतना मात्र ना लगाया जाए कि ये एक छोटी घटना है। जिस तरह से रिटेलिएशन की बात है, अब आगे क्या हो सकता है? और डिफेंस जो है, इंडियन डिफेंस बॉर्डर पे जितने भी डिफेंस के हैं जवान तनाव, कहीं ना कहीं वो एक्टिव हो गए हैं, चाहे वो राजस्थान की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें। देखिए, सामान्य गतिविधि है, यदि कोई छोटे से भी छोटा ऑपरेशन सरकार करती है तो पूरी सेनाओं का जो सीमाओं पर अलर्ट है वो ज़रूर घोषित करना पड़ता है, और पूरी सीमा अभी रेड अलर्ट पे है, जिसमें सेनाओं का जो है यहाँ से मोबिलाइजेशन भी हो सकता है और ज़रूरत पड़ने पर और एयर स्ट्राइक होंगी, जिसमें कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जो POK है उसमें भारत सरकार इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करना चाह रही है, जिसपे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम जवाबदेह बने रहें कि हमने पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे अटैक नहीं किया है, बल्कि हमने मुजफ्फराबाद से लेकर के जो इलाका POK में है, जो भारत का हिस्सा है, उसी में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने एक्शन किया है और आतंकवादी ठिकानों को ही नष्ट किया है, हमने सैनिक संस्थानों पे कोई अटैक अभी तक नहीं किया है।